हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो टेडी टेबल मेरे बेटे का, ये थोड़ा सा मैंने साफ कर ली है। अब देखिए सोनी आर्ड मैंने साफ कर ली है। और मेरे आज जो क्या हुआ था ना, आज दोपहर को पावर कट हो गए थे। 3 घंटे तक पावर कट रहा, बहुत कष्ट हुआ। गर्मी में बच्चे लोग तो बहुत परेशान हो गए, इतना गर्मी था। और फिर 5-6 बजे के बाद वो कर पावर आए थे, तो बहुत प्रॉब्लम है हुआ है। तो संडे इवनिंग है, ये बहुत टूक टाक ये जो है ना, ये जो काम काज वो तो करना ही पड़ता है। स्नान करने का समय हो गई है, सुबह तक उठना पड़ेगा। कल स्कूल है, सुबह तक उठना पड़ेगा। तुमने होमवर्क कर लिया है? और मैं फिर से भटकूंगी और सो जाऊंगी। तो चलिए, स्टडी टेबल मैंने क्लीन कर ली है, बहुत सारे बुक्स रहता है, लेकिन उसका जो तो 3 घंटे तक जो पावर कट था ना, उसके वजह से क्या हुआ, पानी ख़त्म हो गए थे, पीने का पानी भी नहीं था, ऐसा हो गया। तो क्या करें, तो फिर जाके पानी का बॉटल खरीद के लाए। इतना प्रॉब्लम हुआ था, बाहर जाके पानी का बॉटल खरीद के लाए 2-3, और फिर पीने का पानी खा सके, पी सके। क्योंकि मेरा जो प्योरिट है वो करंट में चलता है ना, वो बिजली में चलता है। अगर बिजली कट हो जाएगा, पावर कट हो जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। तो इसलिए वो नहीं हुआ, नहीं चला। तो बहुत प्रॉब्लम, तो पानी पी रही हूँ। पुराना वाला बुक है ना, तो ये जो है इसमें रखती है सब ठीक ठाक से। और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े थे, वो मैंने फोल्ड करके वहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ रखती है। ये है बेटा का स्कूल का बैग, ये लेके जाएगा कल। और ये है बेटा का स्कूल बैग, मैंने उसका जो रूटीन है मंडे, जो रूटीन है वो मैंने उसमें बुक्स जो है वो मैंने रख दी है। और यहाँ पर है मेरा छोटा सा बैग, मैं ये लेके जाती हूँ बाहर। तो इस बैग के अंदर एक छतरी है और थोड़ा सा एक पर्स है मेरा, और थोड़ा सा पानी ले लूँगी। तो देखिए एकदम साफ कर दी। तो ये सब रहता है ऐसे कामकाज। और आज डिनर में बनने वाला है डाके कड़ी। यहाँ पे देखिए डाक एग जो है वो यहाँ पे बॉईल हो रहा है, तो इसको डाक एग करी बना दूंगी मैं। और थोड़ा सा दाल बना लूंगी राइस के साथ, हो जाएगा आज का। और कल का जो लंच बनेगा उन लोगों का, उसका प्रिपरेशन भी करना है। तो थोड़ा बहुत वो जो चॉपिंग है मैं कट के रखूंगी, रात में मैं करके रखती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के फिर जल्दी से काम हो जाता है, क्योंकि उसका एक टाइमिंग में कम करना पड़ता है ना, इसलिए। तो ये था मेरा जो संडे इवनिंग है, वो ऐसे मेरा कटा। अब 8 बज चुके हैं, अब मैं डिनर बनाऊंगी, तो ऐसे कटे क्लीन करके। तो चलिए ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट दिन मिलेंगे एक नया वाला ब्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय बाय।